हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विशी छतवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। आज का जो अपन टॉपिक है उसमें अपन बेसिक पार्टनरशिप के एमसीक्यूज करने वाले हैं, पार्टनरशिप के फंडामेंटल रूल्स को समझने वाले हैं। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के स्कूल लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के ये बेसिक एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए सर, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज पार्टनर इन अ फर्म, हिज ड्रॉइंग्स वर 31 March 5000, 30 June 8000, 30 September 10000, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द एंडिंग 31 December विल बी ओके। तो देखो, इस बंदे ने जो पहला ड्रॉइंग किया है वो किया है 31 मार्च को, और वो जो ड्रॉइंग है वो है 5000 रुपये के लिए, यानी उसने वो पैसा 9 महीने इन्जॉय किया क्योंकि 31 मार्च को ड्रॉइंग किया और जो इनका सीज़न एंड हो रहा है वो दिसंबर में एंड हो रहा है, तो इसने वो पैसा 9 महीने के लिए इन्जॉय किया। ठीक है, तो 9 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए और ये आपका इंटरेस्ट हो गया करीबन 450 रुपये। बात करें उसकी जो दूसरी ड्रॉइंग है वो करी इसने 30 जून को, और इसकी जो ड्रॉइंग है वो है 8000 रुपये, और 30 जून यानी जून तो ख़त्म हो गया, तो इसने ये पैसा इन्जॉय किया 6 महीने के लिए और उस पर 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट को माने तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 480 रुपये। और उसकी जो लास्ट ड्राइंग है इस क्वेश्चन की वो है 30 सितंबर को, यानी सितंबर के एंड में, और ड्राइंग है 10000 रुपये, 10000 रुपये ड्राइंग है, और उसने वो पैसा जो इन्जॉय किया है वो किया है 3 महीने के लिए, तो 10000 का 3 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और इसे आप देखेंगे ये करीबन 300 रुपये होगा। अगर आप ये सारा इंटरेस्ट मिलाओगे तो ये 1230 रुपये होता है। ऑप्शंस में बी ऑप्शन दिख रहा है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जो पार्टनर होता है वो ड्राइंग करता है और फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो जितने महीने के लिए पैसे विड्रॉ करेगा उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेट कर देना, इसे आप चाहते तो प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे, पर अभी मैंने बहुत ही देसी तरीके से बिल्कुल इंडियन स्टाइल में इसको निकाल दिया है, सिंपल सा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। हमने अमाउंट लिया, रेट लगाया और जितने महीने उसने पैसा एंजॉय किया उतने महीने का इंटरेस्ट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रवि इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज 10000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में वो 10000 लेता है, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, द इंटरेस्ट ऑन इज ड्रॉइंग फॉर 3 मंथ्स, ये इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम 1 January to 31 March विल बी वेल। देखिए ना, जो रवि है वो ड्रॉइंग हर महीने करता है और हर महीने के पहले दिन ड्रॉइंग करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने 3 ही बार ड्रॉइंग की है। जो पहली ड्रॉइंग है वो 10000 रुपये की है और वो 1 January को है, दूसरी जो ड्रॉइंग है वो भी 10000 की है और वो 1 February को है, और तीसरी ड्रॉइंग भी 10000 की है और वो 1 March को है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, 10000 का अपन 10% निकालेंगे लेकिन केवल 3 महीने के लिए, क्योंकि उसने पैसा जनवरी में उठाया और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने एंजॉय किया। ठीक है, तो ये आप निकालेंगे तो करीबन 250 आएगा। दूसरा जो इंटरेस्ट है वो भी 10000 पे काउंट होगा, और लेकिन वो पैसा उसने फरवरी में उठाया, तो पैसा उसने फरवरी और मार्च में एंजॉय किया तो 2/12 लगेगा। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो आपका करीबन 167 रुपये बनेगा। और तीसरा जो ड्राइंग है 10000 है उसका आपको 10% निकालना है और उस पर आपको केवल 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, जो करीबन आपका बनेगा 80 के आसपास। ये 167 था और ये 83 के आसपास बनेगा। आप इन सबको जोड़ेंगे ना, करीबन ये 500 रुपये हो जाएगा। तो इस रवि ने टोटल जो ड्राइंग किए हैं वो 30000 किए हैं और जो इंटरेस्ट बनेगा वो 500 रुपये बनेगा। कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल इज वेल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, राइटिंग में कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, 6%। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 6% को टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है 6% पर एनम, जो रेट है वो है 6% पूरे साल का। इस क्वेश्चन में इन्होंने सारे ऑप्शन मंथली फॉर्म में दिए हैं,
यही वो सिली मिस्टेक्स है जो अपन से हो जाती हैं, कि जनरली अपने को याद होता है 6% इंटरेस्ट होता है, पर 6% वार्षिक होता है, 6% पर एनम होता है, याद ऐसे करना चाहिए। इससे फिर आप इसकी मंथली रेट बना पाएंगे, इसकी मंथली रेट बनेगी 0.5% पर मंथ, 6 के अंदर 12 से डिवाइड कर दोगे तो 0.5% पर महीना। तो इसका आंसर बी रहने वाला है सर, ए में गोता मत खा जाना, इसका आंसर बी रहने वाला है। नेक्स्ट इज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन कैपिटल रेशियो इक्वली सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, देखिए अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, राइटिंग में अग्रीमेंट नहीं है, तो फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माना जाएगा ना वो इक्वल माना जाएगा। पार्टनर जैसा डिसाइड अगर करते हैं तो फिर इनको चाहिए था कि ये डीड में लिख देते। अगर इन्होंने डीड में नहीं लिखा है तो बाद में अगर किसी भी तरह का इनमें आपस में विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो पार्टनरशिप डीड जब भी मिसिंग होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हुआ करता है। ठीक है, बाकी आपको अपनी जनरल नॉलेज नहीं लगानी चाहिए कि है ना जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगा उसको मिलेगा या जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उतना मिलेगा, इतना सब मत सोचो। अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो देयर विल बी इक्वल शेयरिंग ऑफ पार्टनर, समानता का सिद्धांत लगेगा। ठीक है सर, पांचवा क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम इफ पार्टनर विड्रू ₹24,000 ड्यूरिंग द ईयर। देखने में कितना आसान क्वेश्चन है कि पार्टनर ने ₹24,000 निकाले और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, शायद आप इसका आंसर मल्टीप्लाई करके 2,400 दे दें। लेकिन आप जानते हैं और खास करके होशियार बच्चे जानते हैं कि इस क्वेश्चन में पार्टनर ने जो विड्रॉ किए हैं वो बताया नहीं है कि उसने कब विड्रॉ किया, दैट इज एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ है। और जब भी हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता है तो अपन आधा इंटरेस्ट लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखने पर बनता है इंटरेस्ट 2400, लेकिन अपन केवल 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्यू टू हमें ये पता नहीं है कि इसकी ड्रॉइंग्स कब हुई थी। तो इसका आंसर ₹1,200 आएगा। छोटे छोटे रूल्स हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, ये लाइन जमती नहीं है। आप इसको लाइन को क्या लगा के रख दिया करो कि अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ये बात सुनने में ट्रू फॉल्स में फॉल्स लगती है। पार्टनरशिप डीड के अभाव में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाएगा, ये बात भी गलत है। पार्टनरशिप डीड के अभाव में सैलरी दी जाएगी, ये लाइन भी गलत है। और पार्टनरशिप डीड के अभाव में प्रॉफिट दिया जाएगा, ये तो दिया जाएगा। तो इसमें जो डी लाइन है ना सर, वो सही जम रही है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी होगी तो भी तो प्रॉफिट शेयरिंग तो होगी होगी, लेकिन किसी पार्टनर को उसकी एक्स्ट्रा मेहनत का कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा। किसी पार्टनर ने जो कैपिटल ज़्यादा लगाई है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसने अगर कोई ड्रॉइंग किया है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये सब करने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड में प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, बाकी प्रॉफिट की शेयरिंग तो होगी ही होगी, चाहे डीड हो चाहे ना हो, वो तो मूल भावना है पार्टनरशिप एक्ट की। इन अ फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर, एक साझेदारी में अधिकतम संख्या होती है, ये होती है सर 50। ठीक है, एक ज़माना था जब 10 और 20 भी होता था, पर इतना पुराना किताब में से तो आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पता ही है कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप में अब 50 तक पार्टनर हो सकते हैं। हाँ, मज़ेदार बात यह है कि ये जो संख्या दी हुई है ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी हुई है, ये संख्या कंपनीज एक्ट में दी गई है। ठीक है, ये वाकई में सही बात है कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं, ये मैक्सिमम जो कैप है, जो लिमिट है, वो कंपनीज एक्ट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ओह बड़ा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सामने कुछ ऑप्शंस हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन्ड व्हेन देयर इज, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सामने एक लिखा है पेड 6% पर एनम वेदर प्रॉफिट और लॉस, तो ये वाली लाइन सेकंड के साथ जमती है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अवश्य दिया जाता है, 6% की रेट से दिया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो सेकंड ए के साथ मैच होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ये वाली लाइन जमती है जो बी लाइन लिखी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ड्रॉइंग्स अगर हर क्वार्टर में किए जाते हैं ना,
ठीक है, जैसे मंथली जो ड्राइंग होते हैं उसमें 6.5, 6 और 5.5 का रूल होता है मंथली ड्राइंग में, और जो क्वार्टरली ड्राइंग होता है उसमें 7.5, 6 और 4.5 का रूल होता है। तो यहाँ पे क्वार्टरली ड्राइंग्स है और एंड में है ना, तो फिर यहाँ पे 4.5 का रूल लगेगा, ये एवरेज मेथड में होता है। ठीक है, अब मैं इतने क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो मेरा फर्स्ट के साथ बी जम रहा है, तो फर्स्ट के साथ बी यहाँ पे आ रहा है, और सेकंड के साथ मेरा ए जम रहा है, ये भी सही है, और थर्ड के साथ मेरा सी जम रहा है। ओके, तो अब ये दोनों रेस में से बाहर हो गए हैं, अब केवल ए और बी में लड़ाई बच गई है। इसके बाद है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, मैंने बताया था कि मंथली ड्राइंग के केस में 5.5 का रूल होता है, तो ये मैच हो जाएगा आपका। चौथे के साथ ई मैच होगा, चौथे के साथ ई मैच हो रहा है। और एक लास्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन्ड, पार्टनर के करंट अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। जब हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो एक तो अपन बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और एक अपन बनाया करते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, जब हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो पांचवा जमेगा डी के साथ, पांचवा जमेगा डी के साथ, तो फाइनली इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया ही जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये बात सही है। और ड्राइंग जब क्वार्टर एंड में की जाती है, हर 3 महीने के एंड में की जाती है, तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट होता है, और हर महीने के एंड में की जाती है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट होता है। और पार्टनर्स के करंट अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमारा जो कैपिटल रखने का सिस्टम होता है वो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनते हैं। ठीक है सर, चलिए और अभी देखते हैं। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल रिड्यूस विद, पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस है वो कब कम हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से तो पैसा उनके खाते में प्लस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल कम हो जाएगा। जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट वसूल करेंगे तो उसकी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, सैलरी की वजह से उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की वजह से या तो बढ़ जाएगा या नो चेंज रहेगा, मतलब डिपेंड्स ऑन, अगर जो लोन का ब्याज है, अगर लोन का ब्याज है वो हमने उसके कैपिटल खाते में जमा किया तो बढ़ जाएगा, अगर हमने इंटरेस्ट को लोन अकाउंट में ले गए तो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन ये था कि इनमें से क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कम करेगी। तो पार्टनर जो ड्राइंग करता है वो उसकी कैपिटल को कम करता है, और उस कैपिटल और उस ड्राइंग का जो इंटरेस्ट लगता है वो उसकी कैपिटल को कम करता है। ठीक है, तो आप इसको बेसिक नॉलेज से सोचिए, हर बार वाले कॉमर्स नहीं, एक बेसिक नॉलेज से, कि पार्टनर ने पैसा लगाया, अगर वो विड्रॉ कर लेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल और कम हो जाएगी, और अगर मान लो उसे लॉस हो गया किसी तरह का तो कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है सर, नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज -- फॉर द फर्म। देखिए सर, ये पार्टनर है मान लीजिए, ठीक है, और ये इन पार्टनर्स को मिला के फर्म बनती है, पार्टनर्स को ही कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। अब मान लीजिए ए अगर कुछ पैसा विड्रॉ करता है, ए ने फर्म से 50,000 रुपये निकाले, पहले अगर ए ने फर्म से 50,000 रुपये निकाले तो फर्म इससे इंटरेस्ट वसूल करेगी। ओके, फर्म इससे इंटरेस्ट वसूल करेगी, और ये जो इंटरेस्ट वसूल करेगी वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये पूछा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज -- फॉर द फर्म, इट इज इनकम फॉर द फर्म, इसका आंसर ए आएगा सर। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2021, द जर्नल एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2022-23 फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस अग्रीमेंट विल बी वेल। आप देखो शुरू से बात समझो, इसमें तीन पार्टनर हैं जिनके नाम है राम श्याम मोहन, और साफ लिखा था कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, तो अगर अपन 60,000 को बांटेंगे तो आएगा 20,000 रुपये और 20,000 रुपये, ये इन्होंने एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है,
लेकिन मजेदार बात यह है कि बुक्स क्लोज करने के बाद और इस डिस्ट्रीब्यूशन के हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अपना रेशो तो 2:1 तय हुआ था। सपोज करो कि इसे आप इस तरह से ले लो कि इनसे गलती से इन्होंने गलती से प्रॉफिट को 20-20-20 बांट दिया और अब वो ये प्रॉफिट को 2:1 में बांटना चाहते हैं। तो अगर आप 60,000 को इस तरह से बांटोगे तो 60,000 मल्टीप्लाई 2/5 तो इस तरह से आपका आएगा 24 आएगा पहले में, 24 आएगा दूसरे में और 12 आएगा तीसरे में। अब यहाँ से आपको बोलना आना चाहिए कि राम के अकाउंट में 20 आया जबकि उसके अकाउंट में 24 आना था, तो आपको राम के अकाउंट में 4 और जमा करना पड़ेगा। सेम स्टोरी विद श्याम, श्याम के अकाउंट में 20 आया जबकि उसके अकाउंट में 24 आना चाहिए था, तो उसके अकाउंट में भी 4 और आएगा। और जो तीसरा है उसके लिए हम बोलेंगे कि इसके अकाउंट में 20 चला गया जबकि इसके अकाउंट में 12 ही जाना चाहिए था, तो 8 हम इससे वापस ले लेंगे, तो 8,000 से इसको डेबिट कर देंगे। इसका नाम है मोहन, ठीक है। तो इसे सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, जिनके खाते में कम आया है उनके खाते में जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जिसके खाते में ज़्यादा चला गया था उसके खाते में डेबिट हो जाएगा। ऐसा आंसर ढूंढिए जिसमें मोहन DR हो, पहले में राम DR है गलत है, दूसरे में श्याम DR है गलत है, तीसरे में मोहन टू राम श्याम ये बिल्कुल सही दिख रहा है, चौथे वाले की ज़रूरत नहीं है सर। इसका आप इसका सी आंसर लगाइएगा, मोहन्स कैपिटल टू राम श्याम्स, तो इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए दो मेथड होते हैं अगर आपको कैपिटल मेंटेन करने हैं तो, इसका एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में तो क्या होता है, सारे एडजस्टमेंट इसी में जाते हैं। अगर आपकी कैपिटल को आपको फ्लक्चुएट करना है तो आपको सारे एडजस्टमेंट इसी में डालने पड़ेंगे, और अगर आपको अपनी कैपिटल को फिक्स रखना है तो कैपिटल तो जाएगी इसमें और एडजस्टमेंट जाएंगे इसमें, ये है फंडा। अगर अपनी कैपिटल को आप फिक्स रखना चाहते हैं तो आप ये वाला मेथड लेंगे, उससे कैपिटल आपकी फिक्स रहेगी और सारे एडजस्टमेंट आपके कहाँ जाएंगे, सारे एडजस्टमेंट आपके करंट अकाउंट में जाएंगे। तो बस बात हो गई है, अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड है तो इंटरेस्ट का आप क्या करेंगे, उसे हम करंट अकाउंट में ले जाएंगे। पहला ऑप्शन है पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, गलत है। सेकेंड ऑप्शन है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगे, बिल्कुल सही है। सी कहता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट किसी में भी जा सकते हैं, गलत है। और चौथे में कहता है कि पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका बी आंसर आएगा, इंटरेस्ट जो होता है वो पार्टनर के खाते में जमा होता है, पर कौन से खाते में जमा होगा, इस क्वेश्चन में वो करंट खाते के अंदर जमा होगा, बी इसका आंसर होगा, ठीक है सर। तो सर अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एक फुल कोर्स डिज़ाइन किया है, उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। जो कॉमर्स वाला पार्ट है जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे, उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोस। अब जैसे 100 MCQ वीडियोस तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोस अपन और करेंगे जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर अगर एक टॉपिक है तो एक टॉपिक को समझने के लिए 4-5 क्लासेस तो बनती है, उस चैप्टर का थीम समझने के लिए आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है ताकि आपके एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए लेकिन यू डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएँ, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के प्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं, तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। ड्यूअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, ठीक है सर।
डुअल लैंग्वेज में, यानी सिंपली जैसे मैं अभी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था, तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ीरो से पढ़ाने की आदत है, तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी, और एक अगर आप इन केस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं, हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो, उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे, तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगी, ठीक है सर। चलिए, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे, जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे, तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे, तो ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको चाहिए जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, अभी क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। 10th, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड टू। वेल, ये अगले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में ही है, ये वापस क्लियरिटी चाहता है। जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा, तो ये जाएगा करंट अकाउंट में, और अगर इनका फ्लक्चुएटिंग मेथड हुआ तो ये इंटरेस्ट जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्वेश्चन में अब के बार इन्होंने फ्लक्चुएटिंग मेथड पूछा है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल गलत है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही है, ठीक है, और डी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। होप मैं आपको रूल समझा पाया, बाकी तो देखिए रूल्स के लिए आपको पूरा डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो आप ये चेक करें कि आपने जो पढ़ा है उसे आप सही से लगा पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सी आइटम P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाती है, कमीशन टू पार्टनर जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं जाती। तो ये आइटम ऑड वन आउट है, ये आइटम अलग है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो भी प्रॉफिट होता है फर्म का वो लिखते हैं, इसके अलावा जो भी इनकम होती है वो हम लिखते हैं जो हम पार्टनर्स से कमाते हैं, इसके अलावा पार्टनर्स को जो भी सैलरी कमीशन हम देते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स वो यहाँ आता है। वेल, ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये P&L आइटम है, क्योंकि ये तो आपको देनी ही देनी है। P&L अप्रोप्रिएशन की आइटम में वो होती है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, कंपल्शन नहीं है, जबकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो आपको देना ही पड़ेगा, कंपल्शन है, तो इसीलिए P&L की आइटम है और ये आइटम इसमें से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का इनमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है? फर्स्ट है एन अग्रीमेंट ओवरऑल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स। यस, ये बात सही है कि साझेदारों के बीच में चाहे लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार का समझौता तो होना ही चाहिए। अग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। अग्रीमेंट किसी वैध व्यापार को करने के लिए होना चाहिए, ये बात भी सही है। तीसरा है ऑल द पार्टनर्स शुड कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। ये बात सही नहीं है, सब लोग जरूरी नहीं है कि कैपिटल लगाएं, और कम से कम 2 साझेदार होने चाहिए, ये सही है। तो सर इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है, कौन सी
जरूरी बात नहीं है। तो सर इसमें सी जो है कि सबको कैपिटल लगानी पड़ेगी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सर। ठीक है सर। बाकी पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना ही चाहिए, पार्टनर्स का जो पर्पज़ होता है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से क्या सही है। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बी काफ़ी सही लग रहा है, ए के कंपेरिजन में बी सही है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ द अडल्ट पार्टनर, ये गलत है। तो देखिए, अगर आप एक माइनर पार्टनर को लेना चाहते हैं तो उसे आप पार्टनरशिप में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहली बात तो है कि सबका राजी होना चाहिए। यानी माइनर मान लो उसका नाम है डी है, तो और एबीसी फर्म के पार्टनर है, तो तीनों की कंसेंट होगी, तीनों राजी होंगे, तो ही आप डी को पार्टनर ले सकते हो। लेकिन ये भी बात है कि डी का लॉस में कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर कल को फर्म को लॉस हुआ तो उसकी शेयरिंग नहीं आएगी, लॉस होगा तो केवल इनमें ही बटेगा। यानी माइनर को केवल आप बेनिफिट्स के लिए बुला सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बुला सकते हो, लॉस शेयरिंग में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो बी इसका आंसर होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज ऑफ क्लोज रिलेटिव, एजेंट एंड प्रिंसिपल, जूनियर सीनियर रिलेशनशिप, ऑफिसर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप। वेल, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एजेंट और प्रिंसिपल का संबंध, एजेंट और प्रधान का संबंध। पूरी पार्टनरशिप का जो सबसे ट्रू टेस्ट होता है, उसकी जो असल पहचान होती है, वो होती है म्यूचुअल एजेंसी। यानी कोई पार्टनरशिप फर्म है या नहीं, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल एजेंट हैं या नहीं। अगर ए जो काम करता है उससे बी भी लायबल होता है और सी भी लायबल होता है, और बी के कामों से ए बी सी मतलब सब लोग लायबल होते हैं। ए ने जो काम किया उससे भी सब लोग लायबल होंगे, बी ने जो काम किया उससे भी सब लोग लायबल होंगे। तो ये रिलेशन कहलाता है म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन। उसमें ए जब काम करता है तो उसकी हैसियत एजेंट की होती है, और बी जब काम करेगा तो उसकी हैसियत प्रिंसिपल की होती है, सी जब काम करेगा तो सी की हैसियत एजेंट की होगी, और ए और बी की प्रिंसिपल की हैसियत होगी। तो इनके बीच में जो संबंध पाया जाता है वो एजेंट प्रिंसिपल वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज देर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म पी एंड क्यू, आर इज एडमिटेड इन टू द फर्म फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विद द गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 18,000 पर एनम, द फर्म्स टोटल प्रॉफिट इज 42,000। इफ पी स्टूड एज गारंटर ऑफ गारंटीड प्रॉफिट टू आर, हाउ मच प्रॉफिट वुड बी गिवन टू पी। वेल, इस क्वेश्चन में पहले पार्टनर थे पी और क्यू, उनका रेशियो था 1:1, गिवन नहीं है पर हम मान लेंगे। उसके बाद हमने आर को भी पार्टनर बना लिया और उसे हमने बराबर हिस्सा दिया, तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1:1। पी क्यू आर का म्यूचुअल रेशियो 1:1:1 हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर हमारा 42,000 का प्रॉफिट है, 42,000 का प्रॉफिट है, और इसकी इक्वल शेयरिंग होगी, तो पी के हिस्से में 14,000 आएगा, क्यू के हिस्से में 14,000 आएगा, और आर के हिस्से में भी 14,000 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि हमने उसे आर को जब एडमिशन दिया था तो हमने उसे 18,000 की गारंटी दी थी, 18,000 की गारंटी दी थी, तो इसमें 4,000 प्लस होगा। और क्वेश्चन आके ये भी कहता है कि ये गारंटी पी द्वारा दी गई थी, ठीक है, पी वाज द गारंटर, तो ये 4,000 आपका पी में से लेस होगा। तो इसका मतलब अब ये है कि पी के पास अल्टीमेटली हिस्से में 10,000 आएगा, क्योंकि हिस्से में अल्टीमेटली 14,000 आएगा, और आर के हिस्से में अल्टीमेटली 18,000 आएगा। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, बताइए पी को कितना दिया जाएगा, तो पी के हिस्से में सर 10,000 आएगा। इसका आंसर सी होगा, पी के हिस्से में 10,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट इज वेल मैच द फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैन बी 50। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट के मुताबिक पार्टनर्स की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। आइटम विच मे बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, इन सामने वाली आइटम में से देख के बताओ कौन सी आइटम पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होगी। तो इसका आंसर डी सही है, इट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट की जाती है। आइटम विच मे बी क्रेडिटेड, कौन सी आइटम जमा की जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके खाते में जमा किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। रेंट पेड टू पार्टनर, अगर आप पार्टनर को रेंट देंगे तो वो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें चॉइस नहीं है, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
जो देना ही होता है, कोई इफ एंड बट नहीं होता। और सैलरी पेड टू पार्टनर के साथ ये होता है कि हम पार्टनर को सैलरी देंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब देखें कौन कैसे मैच हुआ। सबसे पहले फर्स्ट मैच हुआ ए से जाके, फर्स्ट मैच हुआ ए के साथ जाके, तो ये दोनों रेस में हैं। सेकंड, कौन सी आइटम है जो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे या कम करेगी, तो सेकंड मैच हुआ जाके डी के साथ, तो यहाँ तक भी ये चल रहा है सही। उसके बाद है थर्ड, कौन सी आइटम क्रेडिट होगी, तो उसका आंसर है सी, ये भी सही से चल रहा है। उसके बाद है रेंट, रेंट तो आपको पे करना ही है, इट इज़ अ चार्ज, तो आपका चौथे के सामने ई जाएगा, बस ये अब ठीक है, चौथे के सामने ई जाएगा और पांचों के सामने आपका एफ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होने लगेगा। ठीक है, होप आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे आराम से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का। जनरली लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय कोर्ट, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। सर, जनरली जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित दायित्व वाली साझेदारी हुआ करती है जनरली। अगर मान लीजिए कि ए बी सी पार्टनर हैं और इन लोगों ने मान लीजिए 10-10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है, लेकिन कल को कोई लफड़ा हो गया और फर्म के ऊपर 60 लाख रुपए का लायबिलिटी आ गया, तो सबसे पहले तो ये अपनी कैपिटल में से पैसा लौटाने की कोशिश करेंगे, और अगर ये फर्म में जो उन्होंने पैसा लगाया था वो सफिशेंट पैसा नहीं है तो ए बी सी को अपने घर से भी लाके लगाना पड़ेगा पैसा। ठीक है, अगर जो उन्होंने पैसा लगाया था बिजनेस में वो पैसा लायबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा नहीं है, सफिशेंट नहीं है, तो ए बी सी को अपने घर में से भी लगा के पैसा लगाना पड़ेगा। यानी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो इस सेंस में पार्टनरशिप थोड़ी रिस्की होती है, तो समझ के करनी चाहिए। तो होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जो एमसीक्यू सीरीज पे होंगे और आपके जूनियर अकाउंटेंट और स्कूल लेक्चरर एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस अभी आगे और आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।